हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार कई दिन से हम वीडियो डाल रहे हैं, आपने उसमें हमें बहुत अच्छा प्यार दिया। मैं सबसे पहले आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया। और इसी के साथ साथ हम पूरे प्रोजेक्ट के साथ एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि आपको इसमें पूरा वर्क दिखाया जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने एक पेपर पर अपने नक्शे का इंटीरियर कर दिया है। हमारी अलमारी का जो साइज है 8x8.5 का साइज है। इस तरह से यहाँ पर हमने अपने सभी पार्ट्स पर लेमिनेट्स लगाकर रेडी कर लिया है, साइज वगैरह कटिंग कर। और इसी अनुसार हम अपने सभी पार्ट्स की सेटिंग कर देंगे। और इस अलमारी को पलटते हैं और इसके ऊपर 10 mm की प्लाई का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारी अलमारी का एक पार्ट तैयार होकर रेडी हो गया है और इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हम दूसरी साइड का सभी पार्ट्स को सेटिंग कर देते हैं। और ये मैंने आपको दीवार पर मिलाकर दिखाया एक बार। ये हमारा नीचे की साइड का, यानी कि ये एक तरह से कह लीजिए आप, ये स्टार्टिंग है नीचे की, और इसी अनुसार हम इसको ऊपर की साइड मिला देंगे। इसके बाद हम अपनी लाइट वाली प्लाई को फिक्स कर देंगे। ये हमने यहाँ पर 10 mm की प्लाई लगा दी है। और सामने वाली साइड पर हम एज बैंडिंग लगा देंगे ऑफ वाइट कलर की। और यहाँ पर मैंने अपने एल बटन पर अपने फोल्डिंग स्लिप फिक्स कर दिए हैं। और हमने अपने सभी डोर की, दराज की, ड्रावर की सभी पेमास अपने एक नोटबुक पर नोट कर लिए और इसी अनुसार हम अपने पेमास के थ्रू अपने सभी पीस की कटिंग कर देंगे।
और यहाँ पर हम अपने सभी ड्राइवर की सेटिंग करते हुए और लगभग हमारी सभी ड्राइवर बनकर रेडी हो गई हैं। और हम अपने ड्रावर में हेटिक्स की चैनल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने 19 mm को अपने चैनल को ऊपर की साइड उठाया। और जो हमारे टोर हैंगे, हमें डोर लगाने हैं, हम उनकी एक साइड लेवल में करेंगे, यानी कि सीधा करेंगे, जिस साइड हमारे हाइड्रोलिक कब्जे लगने हैं। और यहाँ पर हम अपने सभी डोर में 32 mm के पिट से होल कर देंगे और यहाँ पर हम अपने सभी हाइड्रोलिक कब्जे लगा देंगे। अपने हाइड्रोलिक कब्जे 24 mm के हैं, हेटिच के हैं, जर्मन कंपनी के हैं। इसमें इंडियन कंपनी के भी आते हैं, मगर ये अच्छे वाले होते हैं। और यहाँ पर हमारे सभी डोर लगकर रेडी हो गए हैं और इसके बाद हम अपने सेल्फ की तैयारी करेंगे। हमारे यहाँ पर स्लेट बनकर रेडी हो गए हैं और सेंटर करने के बाद हम अपने लाइट का कटिंग कर देंगे। एक बार मैंने आपको यहाँ पर अपने सभी स्लिप लगा कर दिखाए और इसके बाद हम अपने इलेमिनेट्स की तैयारी करेंगे। हमारी इलेमिनेट्स पीवीसी की है। हम कभी भी अपने डोर पर लेमिनेट्स वगैरह लगाते हैं, सबसे पहले हम साइड वाली जगह टेप लगाते हैं या पीवीसी लेमिनेट्स लगाते हैं या पेपर लेमिनेट्स लगाते हैं, उसके बाद फ्रंट साइड बैक साइड लेमिनेट्स लगाते हैं।
हमारी पूरी अलमारी पर लेमिनेट्स लगकर रेडी हो गई हैं। और यहाँ पर हम अपने डोर्स की कब्जे वाली साइड में जगह बनाकर अपना सफाई कर देंगे और उसके बाद अपने सभी डोर वगैरह अपनी अलमारी पर लगा देंगे। और कभी हम अपनी अलमारी के डोर वगैरह लगाते हैं और जहाँ पर हमारे कब्जे लगे हुए हैं, हमें जो स्क्रू लगाने होते हैं वो हम हैंड स्क्रू से लगाएंगे। हमें उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मशीन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हम अपने स्लेब की अंदर की साइड के पीस लगाते हुए यहाँ पर हम डबल पीस लगाएं, उससे हमारे स्लेब की ताकत और भी ज़्यादा बनेगी। और यहाँ पर हम होल कर देंगे लगभग 12 एमएम के अपने डोरी निकालने के लिए। अगर होल करने होते हैं ये आपको पहले ही करने होते हैं। और यहाँ पर हम अपने पिलर की तैयारी करेंगे। और यहाँ पर हम अपना 45 डिग्री का इसमें यहाँ पर टेपर बनाएंगे, उसके बाद अपना पिलर को मास्किंग टेप की सहायता से राउंड कर इसको हम सेट कर देंगे। रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम अपने पिलर पर यानी कि MDF पर या PVC यानी कि जो हमने अपना कटिंग करा रखा है CNC, अगर आपको इस प्रकार बनाना होता है तो यहाँ पर हम पहले इसकी फिक्सिंग कर लेंगे, उसके बाद हम जो भी हमें पेंट वगैरह कराना है, डेको कराना है, उसके बाद हम करेंगे। और यहाँ पर हम अपने लाइट फास्ट सीट का कटिंग करते हुए अपने पिलर वगैरह में, शिंगर वगैरह में लगाएंगे।
यहाँ पर हम चार बंदे अपने अलमारी को आगे की साइड खिसकाएंगे और इसकी पूरी वायरिंग का और अपने पिलर का लाइट का पूरी तरह से फिटिंग कर देंगे। और इसी अनुसार अपनी पूरी वायरिंग का काम हो गया है और अब हमने अपना पूरा दरबार रेडी कर दिया है। ये हमने आपको लाइट जलाकर दिखाई और सबसे लास्ट में जैसा कि हमने हैंडल वगैरह भी लगा दिए, जहाँ पर हैंडल लगे वहाँ पर हमने अपना कटर से पॉलीथीन का यानी कि लेमिनेशन का कटिंग कर दिया है और सभी लेमिनेशन की हम पन्नी उतार देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से सभी डोर सभी ड्रावर खोल खोल कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा एक अपना सुंदर सी अलमारी होम टेम्पल बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से पूरी अलमारी होम टेम्पल का जो टोटल कॉस्ट आती है स्क्वायर फुट के हिसाब से वो 1500 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्च आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया।